2, 12, 20। गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम क्वेश्चन सॉल्व एंड गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉल्व एंड गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सॉल्व करो कह रहा है और इनके उत्तर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। पीछे हमने छोड़ा था जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, अनइवन होते हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं, तब हम कैसे जोड़ते हैं। आज हम सीखेंगे जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब हम किस प्रकार से फ्रैक्शन को माइनस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों का एलसीएम। किन दोनों का? 10 और 15 का। तो 10 और 15 का मौखिक एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं या देखेंगे। दोनों फिगर को ध्यान से देखना है, जो बड़ी फिगर है उसकी टेबल पढ़नी है। 15 × 15, 10 की टेबल नहीं जाती है। 15 × 30, 10 की टेबल भी जाती है। इसलिए द एलसीएम ऑफ 10 × 15 इज इक्वल टू 30। व्हाट इज 30? इन दोनों का एलसीएम हुआ। अब यहां पर हम पहले 10 से 30 को डिवाइड करेंगे। 10 3 जा, जब इसका 3 जा है तो इसका भी 3 जा होगा। 10 3 जा 30, 9 3 जा 27 माइनस 15 की भी टेबल पड़ेगी 30 में। 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 का 2 जा है तो 4 का भी 2 जा होगा, 4 × 2 = 8। अब तो आसान हो गया, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे, पहले वाले न्यूमिनेटर में से दूसरे वाले न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे। मीन्स 28 − 27 − 8 = 19/30। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका इससे सिंपलेस्ट फॉर्म कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कटते नहीं है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, इसलिए यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसी प्रकार से यहां पर भी करेंगे। यहां पर क्या है, 8/17 − 5/34। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 17 और 34 दो डिनोमिनेटर नंबर हैं। 17 और 34, 34 इज ग्रेटर देन 17, 17 इज स्मॉलर देन 34। तो 17 की टेबल पढ़ेंगे आगे को, 17 × 2 = होता है, दैट मीन्स 34 दोनों का क्या हुआ, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 34 लिख दिया। क्योंकि क्यों दोनों का 34 हुआ, 17 की टेबल 34 में जाती है, 34 की 34 में जाती है। 17 × 2 = 34, 8 × 2 = 16 माइनस 34 × 34, 5 × 5 इज इक्वल टू, वी सब्सट्रैक्ट 16 − 5 फ्रॉम 16, सब्सट्रैक्ट कीजिए, 16 में से 5 माइनस किया 11 अपॉन, नीचे वही फिगर रहेगी 34। इसमें भी एक प्राइम नंबर है, यहां पर भी प्राइम नंबर है, यहां पर भी प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम है दूसरा उससे कटेगा नहीं, दैट मीन्स दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कब? जब हम ध्यान से करेंगे तब। अब यहां पर 3 और 4 दो फिगर है, 4 ग्रेटर है तो 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 × 4, 3 की टेबल नहीं जाती। 4 × 2 = 8, 3 की टेबल 8 में भी नहीं जाती। 4 × 3 = 12, 3 की टेबल 8 में जाती है, दैट मीन्स 12 इज द एलसीएम ऑफ बोथ 2 और 3। इसका मतलब 12 जो है इन दोनों का एलसीएम हुआ, क्योंकि 12 में 3 से भी भाग पूरा पूरा जा रहा है और 4 से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। मीन्स आप देखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो 1 × 4 = 4 माइनस 4। अब 4 की टेबल की बारी है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 × 3 = 3। नाउ वी माइनस, वी सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। अब हम 3 को घटाएंगे 4 से, 4 में से 3 घटाया, हाउ मच इज 1/12
दैट इज द आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। तो इस प्रकार से आज जो है, आज मैंने तीन क्वेश्चन बता दिए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। आज हमको भी दो क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी दे दिए जाएंगे। दैट्स ऑल क्लास फोर्थ मैथ। अच्छी तरह पुनः मैथ का काम शुरू करेंगे। यदि किसी भैया बहन के समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भैया बहन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके।